हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वीजा कन्वेंशन। आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कनाडा के जस्टिस इंस्टीट्यूट ऑफ बीसी के बारे में। यह कॉलेज कब एस्टेब्लिश हुआ था, पब्लिक फंडेड कॉलेज है या प्राइवेट कॉलेज है, इसके अलावा यहाँ कौन कौन से इनटेक अवेलेबल हैं, इसका मेन कैंपस कहाँ पे है, इसके साथ ही कौन कौन से कोर्सेज और प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, इसके साथ एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, ट्यूशन फ़ीस कितनी है, एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स क्या है और आईएलटीएस पीटीओ टफल की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, गैप कितना एक्सेप्टेबल है, वीकली क्लासेस कितने टाइम की अवेलेबल हैं, इसके साथ ही कोऑप प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं या नहीं, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट अवेलेबल है या नहीं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में ये सब चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम वीडियो शुरू करते हैं। यह कॉलेज एक पब्लिक फंडेड कॉलेज है जो कि 1978 में इस्टेब्लिश हुआ था। यह DLI अप्रूव्ड कॉलेज है। इस कॉलेज में दो ही इनटेक अवेलेबल है, जैन और सेप्टेम्बर। अब हम बात करते हैं कोर्सेज की। तो इस कॉलेज में अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों कोर्सेज अवेलेबल हैं। नेक्स्ट, प्रोग्राम्स। यहाँ पे आपको लॉ से रिलेटेड और डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड सभी तरह के प्रोग्राम्स मिलेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स की। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके मिनिमम 50 स्कोर होने ज़रूरी हैं। और अब हम बात करते हैं आईएलटीएस रिक्वायरमेंट की। अगर आपने अंडर ग्रेजुएशन में अप्लाई करना है तो आपके ओवरऑल 6 बैंड स्कोर होने ज़रूरी हैं, और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में अप्लाई करना है तो आपके ओवरऑल 6.5 स्कोर होने ज़रूरी हैं। अगर आपके किसी एक मॉड्यूल में 5.5 स्कोर हैं तो आप इस कॉलेज में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं PTE के बारे में। अगर आपने PTE करी हुई है और आप इस कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके मिनिमम 58 स्कोर होने ज़रूरी हैं। अब हम बात करते हैं टफल की। अगर आप टफल से इस कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके मिनिमम 80 स्कोर होने ज़रूरी हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे गैप की। अगर आप अंडर ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 2 ईयर्स का गैप एक्सेप्टेबल है, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 5 ईयर्स का गैप एक्सेप्टेबल है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन फ़ीस की। तो इस कॉलेज में अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फ़ीस है $150। अब हम बात करते हैं कि इस कॉलेज से आपको लेटर ऑफ अप्रूवल कितने दिनों में मिलता है। तो इस कॉलेज का जो लेटर ऑफ अप्रूवल है वो आपको विद इन 15 डेज में मिलता है। ट्यूशन फ़ीस। इस कॉलेज की ट्यूशन फ़ीस है अप्रोक्सीमेटली $17,000, जो कि प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करती है। इस कॉलेज में कंडीशनल ऑफ़र लेटर अवेलेबल नहीं है, और इसके साथ ही कोऑप प्रोग्राम भी अवेलेबल नहीं है। अब हम बात करते हैं पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की। तो इस कॉलेज में पोस्ट स्टडी वर्क परमिट अवेलेबल है। पोस्ट स्टडी वर्क परमिट क्या होता है, इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। जिन स्टूडेंट्स को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है वो वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं कि किस कोर्स की ड्यूरेशन के लिए कितने टाइम का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट आपको मिलता है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, ये है जस्टिस इंस्टीट्यूट ऑफ बीसी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस करवाना चाहते हैं या आपकी एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।